Good morning, class 7 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English Honeycomb, Unit 3rd, Gopal and the Hills of Fish. So students, before explaining you this chapter, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, please make it subscribed and don't forget to like and share. So now let's begin with the explanation of this chapter. Later on, we will be completing our book exercise as well as question answers in our notebook. Gopal and the Hills of Fish. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. So students, I hope you all have read comic book. You have seen a comic book when you were gone anywhere for a picnic or anywhere you have gone. You have gone through the comic book. Comic book वो होती है जिसमें pictures के through आपको stories बताई जाती है और वो बहुत interesting होती है पढ़ने में. So students, if you not have seen comic book, you can see this chapter and you can understand it, that what kind of stories and how the story is explained in a comic book. So students, now let's begin with this story. Let's see what's in this story, Gopal and the Hills of Fish. It was the season for Hills of Fish. Fisherman could think of nothing but Hills of Fish. So students, ये वो मौसम था जब सारे लोग जो थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, Hills of Fish के बारे में बात कर रहे थे और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे थे. और जो फिशरमैन जो होते हैं, जो हमारे मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो भी सिर्फ किसके बारे में सोच रहे थे, Hills of Fish के बारे में सोच रहे थे. Fishmongers sold nothing but Hills of Fish. Fishmongers जो Hills of Fish को रखते हैं, फिश बेचने वाले, वो भी सिर्फ Hills of Fish के बारे में ही बात कर रहे थे और उन्हीं को बेच रहे थे, दूसरी कोई भी फिश वो नहीं बेच रहे थे. कम बाय द प्राइस ऑफ Hills of Fish इज़ डाउन टूडे. और वो जोर जोर से आवाज़ लगा के ये बोल रहे थे, अरे आओ आओ, आज तो Hills of Fish के दाम जो है वो बहुत कम हो गए हैं, बहुत बहुत ही सस्ते दाम में मैं Hills of Fish बेच रहा हूँ. Households could talk of nothing but Hills of Fish. और जो household जो भी घर में जो रहते हैं वो भी सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे थे, Hills of Fish के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो जो मौसम था वो Hills of Fish के Hills of Fish का ही था और उस टाइम वो सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे. How much did you pay for that Hills of? You wouldn't believe it if I told you. फिर एक जो औरत होती है वो किसी से पूछती है कि आपने ये Hills of Fish कितने में ख़रीदी, तो उस वो दूसरा आदमी जो होता है उसके सामने वो बोलता है कि आप विश्वास नहीं करोगे अगर मैंने आपको दाम बताया कि मैं कितने कम दामों में इसको लेके आया हूँ. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hills of Fish. और राजा के जो दरबारी थे, कर्टियर्स, कर्टियर्स में दरबारी, जो राजा के दरबारी थे वो भी सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, Hills of Fish के बारे में. योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज Hills of Fish आई कॉट इट वॉज. और सभी लोग दरबारी जो थे वो भी यही बोल रहे थे कि अरे आपने देखी नहीं है इतनी बड़ी Hills of Fish. वो किसको बोलता है, राजा को बोलता है कि इतनी बड़ी Hills of Fish है और मैं Hills of Fish को लेके आया हूँ, इतनी बड़ी Hills of Fish है, आप विश्वास नहीं करोगे देख के कि इतनी बड़ी कैसे. स्टॉप इट, हु सेड, द किंग सेड. राजा ने कहा चुप हो जाओ, सब गुस्से में आके. आर यू अ कर्टियर और अ फिशरमैन. फिर राजा ने कहा कि क्या तुम राजा के दरबारी हो या फिर मछली बेचने वाले हो जो सिर्फ और सिर्फ Hills of Fish के बारे में बातें कर रहे हो. द कर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी. और उसके बाद में राजा ने भी सोचा और उसको गिल्टी फील हुआ कि ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. और कर्टियर्स जो दरबारी जो थे वो भी सब चुप हो गए राजा जी की बात सुन के. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर Hills of Fish एंड नो वन.
और फिर राजा जी ने अपने दरबारियों से, कर्टियर से ये कहा कि अरे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम लोगों को इस तरह से गुस्से में आके, टेंपर में आके मैंने तुमसे ये कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जो मौसम है वो तो हिल्सा फिश का ही है, तो हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं होगी तो किसके बारे में बात होगी। तो राजा जी ने अपने दरबारियों से कहा, Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. और फिर राजा जी ने कहा कि जो गोपाल है वो भी किसी को चुप नहीं कर सकता हिल्सा फिश के बारे में बोलने से, और 5 मिनट भी कोई बिना हिल्सा फिश की बात किए हुए नहीं रह सकता। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। और फिर गोपाल वहाँ वहीं पे खड़े थे गोपाल, और गोपाल ने कहा अरे मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ राजा जी, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। फिर राजा जी ने कहा अगर ऐसा है कि अगर तुम 5 मिनट के लिए भी सबको चुप कर सकते हो हिल्सा फिश के बारे में बात करने से, तो चलो जाओ और एक बड़ी सी हिल्सा फिश पैलेस में हमारे दरबार में लेके आओ, पर याद रहे कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए, या कोई भी उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए, कोई भी इंसान उसके हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलेगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। और उसके बाद में गोपाल ने कहा कि मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। A few days later, कुछ दिनों बाद, why is your face half shaven? और गोपाल की वाइफ ने, यानी गोपाल की पत्नी ने गोपाल से पूछा कि अरे सुनिए तो आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है वो आधा आधा दाढ़ी और आधे पे बिना दाढ़ी ऐसे कैसे है? I'm dressing up to buy a fish. और गोपाल ने कहा कि मैं ड्रेस हो रहा हूँ एक मछली खरीदने के लिए, मैं ऐसा हुलिया बना रहा हूँ अपना। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? और उसके बाद में उसने कहा कि आप अपने जो चेहरे पे है वो कुछ ऐश जैसा क्यों लगा रहे हैं, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप अपने आप? I told you I'm dressing up to buy a hilsa fish. और फिर गोपाल ने कहा मैंने तुमसे कहा ना एक बार कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए अपने आप का ऐसा हुलिया बना रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? और उसके बाद में गोपाल की पत्नी ने गोपाल से कहा कि अरे सुनिए तो आप इस हालत में आप बाहर नहीं जा सकते, आप ऐसे कैसे अपने आप को, अपने जो हुलिये को एकदम से एकदम ऐसा करके, और आप एकदम अजीब से लग रहे हो, एकदम पागल से लग रहे हो, आप ऐसे डिस्ग्रेसफुल नहीं जा सकते बाहर, कैसे लगोगे अगर आप इस तरह से बाहर जाओगे तो? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश? फिर गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कितनी बार तुमसे कहूँ एक ही बात कि मैं हिल्सा फिश, एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, और इसलिए मैंने अपना हुलिया ऐसे बनाया है। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। और उसकी बीवी ने कहा कि क्या हो गया है पता नहीं इनको, जो ये ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे ये बर्ताव कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ये पागल से हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। और उसके बाद में गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीदी बड़ी सी, और कहाँ चल दिए? महल की तरफ। मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल? और उसके बाद में वहाँ पे खड़े एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी मम्मी देखो ना, वो जो आदमी है वो एकदम जोकर जैसा नहीं लग रहा, कॉमिकल नहीं लग रहा वो, ही मस्ट बी अ मैड मैन। फिर कुछ लोग बातें करने लगे कि नहीं नहीं लगता है ये तो कोई पागल है, हश आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। और उसके बाद में किसी ने कहा कि अरे मुझे तो लगता है ये मिस्टेक है, कुछ मतलब अलग सा अजीब सा इंसान है। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. और वहाँ जहाँ पे पैलेस में
दरबार में जैसे ही राजा के दरबार में जैसे ही गोपाल पहुंचा, महल में पहुंचा, तो वहां पे खड़े जो दरबारी थे जो वहां पे पहरा दे रहे थे, उन्होंने पूछा कि अरे तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल ने कहा मुझे किंग से मिलना है, मुझे राजा जी से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। और उसके बाद में वहाँ पे खड़े दरबारियों ने ये कहा, जो पहरे दे रहे थे उन्होंने ये कहा पहरेदारियों ने कि आप राजा से नहीं मिल सकते। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। और उसके बाद में गोपाल जो है वहाँ पे जोर जोर से गाना गाने लग गया और नाचने लग गया। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और अंदर बैठे राजा ने ये कहा कि लगता है कोई अजीब सा इंसान जो है वो मेरे दरबार में आ गया है, निकालो उसको महल से बाहर, उसको किसने आने दिया अंदर, मत आने दो उसको अंदर, उसको बाहर निकालो। और इतने में ही उसको आवाज़ आती है गोपाल की कि मुझे अंदर आना है, मुझे राजा जी से मिलना है, तो मुझे एक बार मिलने दो राजा जी से। वो किसे आवाज़ लगाता है, राजा जी को। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। और फिर राजा जी कहते हैं कि लेके आओ उस आदमी को मेरे पास एक बार। यस योर मैजेस्टी। और फिर उसके जो पहरेदार होता है वो कहता है कि हाँ जी राजा जी मैं लेके आता हूँ अभी। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। और उसके बाद में गोपाल को राजा जी के सामने लाया जाता है। और इट्स गोपाल। और उसके बाद में वहाँ पे खड़े कुछ दरबारी जो हैं और कुछ कर्टियर्स जो हैं वो पहचान लेते हैं कि अरे ये तो गोपाल है। द मैन वॉज लॉस्ट, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। और कुछ लोग कहते हैं कि लगता है इसने तो अपना दिमाग का संतुलन ही खो दिया है, इसका दिमाग जो है वो लगता है लॉस्ट हो गया है, ये अपना दिमाग खो चुका है लगता है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। और उसके बाद में वहाँ पे खड़े एक आदमी बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये ज़रूर कुछ जोक मारने आया है या फिर कुछ क्रेजी करने आया है कुछ। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन। उसके बाद में राजा जी कहते हैं कि अरे गोपाल ये तो बताओ कि तुम इतने अजीब से अवतार में क्यों आए हो, एकदम अजीब से फैशन में, एकदम अपना जो हुलिया है वो तुमने किस तरह से बना रखा है, ऐसे क्यों किया है तुमने, ऐसा क्यों किया है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। उसके बाद में गोपाल ने कहा कि राजा जी लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। राजा जी कहते हैं फॉरगॉटन समथिंग, सोच में पड़ जाते हैं राजा जी कि मैं ऐसा क्या भूल गया हूँ। और उसके बाद में स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। उसके बाद में गोपाल कहता है कि कितना अजीब है ना कि मैं जब बाजार गया था वहाँ से हिल्सा फिश खरीदी मैंने, वहाँ से लेके और यहाँ आपके महल तक, और महल में भी अपने दरबारियों के सामने किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड, एक शब्द तक नहीं बोला। सब लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही बारे में बोल रहे थे, किसी ने ना तो हिल्सा फिश को देखा और ना उसके बारे में कोई बोला। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. और इतना सुनते ही राजा जी के दिमाग में आ गया कि अरे हाँ मैंने जो है एक चैलेंज दिया था गोपाल को कि क्या तुम 5 मिनट के लिए भी सबको हिल्सा फिश के बारे में चुप रहने के लिए कह सकते हो, क्या उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर सकते हो कि वो 5 मिनट तक भी चुप रह सके और हिल्सा फिश के बारे में कुछ ना कहे। हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और उसके बाद में राजा जी जोर से हंसे और जोर से हंसने के बाद उन्होंने कहा कि गोपाल बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें कि तुमने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया, जो
पॉसिबल नहीं था उसको भी तुमने पॉसिबल कर दिखाया, क्योंकि जो लोग थे वो सब हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे थे, उसी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ देखो सिर्फ उसी की चर्चा चल रही थी। पर तुमने उससे अलग ये करके दिखाया कि सबका जो दिमाग है वो चेंज करके दिखाया, कम से कम 5 मिनट के लिए ही सही, पर तुमने लोगों की सोच को और लोगों के सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदल दिया और कहीं और उनका ध्यान केंद्रित कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर बुक एक्सरसाइज। Now see students, question answers we will be completing in our notebook. So first of all, see, you are having true false. Write true and false against each of the following sentences. Question number one, the king lost his temper easily. जो king था उसने अपना temper खो दिया था, मतलब जब उसने हिल्सा फिश के बारे में सुना था तो क्या फिर उसने अपना temper खो दिया था? Yes, true. नंबर सेकेंड इज़ गोपाल वॉज अ मैड मैन, क्या गोपाल जो था वो एक पागल इंसान था? फॉल्स, बिकॉज ही वॉज जस्ट मेकिंग एवरी वन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिम नॉट इन हिल्सा फिश, क्योंकि वो ये चाहता था कि लोग जो है सब हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करके सिर्फ उसी के बारे में बात करें, इसलिए वो मैड मैन के तरह दिख रहा था बट वो मैड मैन था नहीं। नंबर थर्ड, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, क्या गोपाल जो था वो एक बहुत होशियार चालाक इंसान था? ट्रू। नंबर फोर, गोपाल वॉज टू पुअर टू एफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, क्या गोपाल इतना ज़्यादा गरीब था कि वो अपने लिए ढंग के कपड़े भी नहीं ले सकता था? फॉल्स, बिकॉज ही वॉज जस्ट एक्टिंग टू मेक एवरी वन to concentrate on him not in hilsa fish, that's why he was clothing like that, इसीलिए वो उस तरह के कपड़े पहन रहा था ताकि लोग सिर्फ उसे देखें और हिल्सा फिश को ना देखें। The king got angry when he was shown to be wrong, क्या राजा जो था वो बहुत गुस्सा हुआ था जब उसने ये देखा कि उसे गलत दिखाया जा रहा है? नहीं, false. So students, these are the true false that you have to complete in your textbook. Now see students, in next page you are having this exercise in your textbook. Notice how in a comic book there are no speech marks when characters talk. Instead, what they say is put in a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. Change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you. So students, in first question C, how much did you pay for that hilsa? This question, the woman asked the man how much he had paid for that hilsa. So the question must be same, but it could be written in another manner. Okay, now see question number second, why is your face half shaven? Gopal's wife asked him. Okay, we have to write the answers. I will show you the answers also. Keep watching this video. Number second is, I accept the challenge, your majesty. Answer, Gopal told the king dash. Number fourth is, I want to see the king. Gopal told the guards. Bring the man to me at once, the king ordered the guard. So students, now see the answers of these questions. So here are the answers of these questions. Number second answer is, why his face was half shaven? किसने कहा था? गोपाल की वाइफ ने गोपाल से कहा था कि आपका जो चेहरा है वो हाफ शेवन, मतलब हाफ चेहरे पे, आधे चेहरे पे आपकी दाढ़ी है और आधे चेहरे पे आपकी दाढ़ी नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? किसने कहा था? गोपाल की वाइफ ने कहा था। और नंबर थर्ड आंसर इज दैट ही एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, और गोपाल ने राजा से कहा कि मैं आपका चैलेंज मंजूर करता हूँ और मैं आपका चैलेंज करके दिखाऊँगा पूरा।
I want to see the king. Number fourth is Gopal told the guards that he wanted to see the king. Gopal ने वहाँ खड़े पहरेदारियों से ये कहा, गार्ड से ये कहा कि मैं राजा जी से मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ. Number fifth is to bring the man to me, to him at once. राजा ने गार्ड से ये कहा कि तुम उस आदमी को एक बार मेरे सामने लेके आओ. So these are the answers that you have to write in your textbook. Now let's come to the question answers that you have to write in your notebook. Now see students, let's come to answer the following questions that you have to complete in your honeycomb notebook. Question number one, why did the king want no more talk about the hills of fish? राजा ये क्यों नहीं चाहते थे कि हिल्सा फिश के बारे में कोई बात करे. It was a season of Hilsa fish as everyone was busy talking about it. The king was fed off the talks about Hilsa fish. Moreover, he did not want his courtiers to waste their time on these talks which could affect their work. So students, राजा जो थे वो ये इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि हिल्सा फिश का मौसम था और सब लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे और उसी के बारे में ही चर्चा चल रही थी. और राजा जो है वो ये सुन के बिल्कुल थक चुके थे, जहाँ देखो जहाँ जाओ वहीं पे हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही थी. तो राजा जो है वो सुन सुन के एकदम, बोलते हैं ना सुन सुन के पक जाते हैं एक ही बात को सुन सुन के, तो वो जो राजा जी थे वो फैड ऑफ हो गए थे पूरे, मतलब सुन सुन के कि सिर्फ एक ही एक बात, हिल्सा फिश हर तरफ, जहाँ जाओ वहाँ हिल्सा फिश. तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनके जो दरबारी है, कर्टियर्स है, वो अपना जो वक्त है वो उसमें वेस्ट करे, उसमें लगाए, और जो दूसरे काम जो है और उनके जो दूसरे काम है वो ऐसे के ऐसे ही रह जाए और सिर्फ इनकी चर्चा चलती रहे हिल्सा फिश की, वो ये नहीं चाहते थे राजा. नंबर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर. जो राजा थे उन्होंने गोपाल से क्या कहा कि वो अपनी चालाकी या अपना जो क्लेवरनेस है वो दिखाए, उसके लिए प्रूफ करे कि वो बहुत होशियार है. वो उन्होंने गोपाल से ऐसा क्या कहा करने को कि उसकी होशियारी के बारे में सबको पता चले. आंसर, टाइम एंड अगेन किंग यूज्ड टू टेस्ट गोपाल. जो किंग थे, जो राजा थे, वो गोपाल का जो है वो टेस्ट लेना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे. सो दिस टाइम ही आस्क गोपाल टू बाय अ हिल्सा फिश. और उन्होंने उससे, गोपाल से ये कहा कि तुम एक हिल्सा फिश खरीद के लेके आओगे, और वो भी कहाँ पे, यहाँ पे महल में. एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस क्रॉसिंग द बाजार विदाउट एनी वन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश थ्रू आउट द वे टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर. और उसने ये कहा कि तुम वहाँ से, बाजार से यहाँ पे महल तक हिल्सा फिश को लेके आओगे, पर ये ध्यान रहे कि कोई भी इंसान रास्ते में हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए. सबका जो ध्यान है वो कहीं और ही डाइवर्ट हो जाना चाहिए और हिल्सा फिश के बारे में सब भूल जाए. ऐसा कुछ करके दिखाओ, तब मुझे पता चलेगा कि तुमसे ज़्यादा होशियार यहाँ पे कोई नहीं है. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश. और ऐसी क्या तीन चीज़ें थी जो गोपाल ने की थी हिल्सा फिश खरीदने से पहले. गोपाल हाफ शेव्ड हिज बियर्ड, स्मियर्ड हिमसेल्फ विथ एश एंड wore disgraceful rags before he went to buy his hilsa fish. और गोपाल ने क्या किया, पहले तो अपनी जो हाफ शेव जो चेहरा होता है उसे हाफ शेव कर लिया, मतलब जो दाढ़ी थी उसकी उसको उसने आधा तो काट लिया, और आधा जो है आधे चेहरे पे दाढ़ी थी और आधे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी. बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी. स्मियर्ड हिमसेल्फ विथ ऐश, और उसके बाद में उसने अपने बॉडी में थोड़ी सी ऐश लगा ली एकदम से, जो हम बोलते हैं ना ऐश राक. एंड वो डिसग्रेसफुल रैग्स, और उसने इस तरह से कपड़े पहन रखे थे जैसे मतलब कोई फ़कीर या फिर ऐसे कोई पागल सा इंसान जो जैसे फटे पुराने कपड़े जैसे पहनते हैं ना, वैसे उसने कपड़े पहन रखे थे. किसने, गोपाल ने. और उसके बाद में ये सारी चीज़ें करने के बाद में ही गोपाल मार्केट गया, बाजार गया हिल्सा फिश खरीदने के लिए. क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. अब ये बताओ कि गोपाल जो है वो
हिल्सा फिश खरीदता है, बट फिर भी कोई भी जो लोग होते हैं कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ? गोपाल फनी अपीयरेंस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल मच मोर देन द हिल्सा फिश। गोपाल का जो हुलिया था, जो फनी सा जो चेहरा और फनी से जो मतलब जो उसने अपना जो पहनने का कपड़े पहनने का और जो उसने जो मेकअप कर रखा था, सब लोगों का अपने और उसने ध्यान केंद्रित कर लिया था, इसलिए जो लोग हैं वो हिल्सा फिश को नहीं देख के सिर्फ किसको देख रहे थे, गोपाल को देख रहे थे। एट दैट टाइम नो वन वॉज कैरिंग अबाउट द हिल्सा फिश ही वॉज कैरिंग, और उस वक्त किसी भी लोगों को ये नहीं दिखा कि उसके हाथ में हिल्सा फिश है या फिर वो जो है हिल्सा फिश लेके जा रहा है। उसे उन लोगों को सबको सिर्फ एक ही एक चीज़ दिखाई दे रही थी, वो था गोपाल का फनी अपीयरेंस और जो एकदम से मजाकिया टाइप का लग रहा था, एकदम मतलब पागल सा, आधा पागल सा वैसे लग रहा था सब लोगों को। एवरी वन वॉज बिजी इन टॉकिंग अबाउट हिज मैड अपीयरेंस। सब लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे थे कि अरे ये कैसा पागल सा इंसान आ गया, हाफ शेव्ड फेस एंड रैग्स, और उसके बाद में उसका जो चेहरा था इस तरह से मेकअप किया हुआ था कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ गोपाल के बारे में ही बात कर रहे थे और हिल्सा फिश या और किसी बारे में सब कुछ भूल चुके थे। सब लोगों का ध्यान गोपाल की तरफ हो गया था और वो उसे देखने लग गए थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट योर वर्क इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज नोटबुक। And students, please don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a nice day.